आपको संविधान दिया, आपने संविधान नहीं दिया, आपने जिंदगी भर अंबेडकर जी को नकारा, और जिन्होंने संविधान दिया आज आप उनको भी नकार रहे हैं, क्योंकि आपका एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है देश के हर संस्थान को खराब करने का और हर संस्थान के ऊपर कभी उनको दबाने का, कुचलने का, कभी ट्रांसफर्स जैसे 73-75 में इन्होंने किए थे, उसी तरीके से इन्होंने राजनीति करने की कोशिश की अपॉइंटमेंट्स के अंदर 80 के दशक में, और जिसके कारण कोलिजन सिस्टम जो है वो इन्हीं की करतूत की वजह से डेवलप हुआ था। और इस धमकाने और इस तरीके की जो इंटिमिडेटरी टैक्टिक है उससे कहीं ना कहीं जुडिशरी को बचाना आवश्यक है, क्योंकि लगातार ये आघात जो है ये आघात किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक संस्था पर है, और वो संस्था देश की सर्वोच्च न्यायालय से सर्वोपरि संस्था कोई और नहीं है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ कैनॉट बी कंफ्यूज्ड विद रूल ऑफ डायनेस्टी, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज द रूल ऑफ लॉ हैज बीन कंफ्यूज्ड इन द माइंड्स ऑफ कांग्रेस पीपल एज अ रूल ऑफ डायनेस्टी, एंड अंडर दीज सर्कमस्टांसिस बिकॉज दे आर लूजिंग पावर कॉन्स्टेंटली पीपल आर नॉट विद देम while in the opposition they do not understand the dignity of an institution and dignity which even opposition has to maintain, and most of the things which they have raised are settled by various judgments, they have lost the vote so they have no vote, but they are indulging in grossest abuse of the powers of impeachment when there is no evidence, there is nothing, you know, हम लोग कानून के अंदर एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर एक प्रोविजन होता है 482 ऑफ द सीआरपीसी विच इज अ क्वॉशिंग पिटिशन, एंड वेन एवर वी आर गेटिंग समथिंग क्वॉश्ड वी डू नॉट चैलेंज द वेरासिटी ऑफ द चार्जशीट और फॉर दैट मैटर समटाइम्स इवन एफआईआर्स, वी से टेक इट एज इट इज, जो आपने लिखा वो सही मानते हैं, अब आगे बताइए डज इट मेक अ केस और डज इट नॉट मेक अ केस। सिमिलरली दिस इज ऑलमोस्ट एन इक्विवेलेंट ऑफ द सिमिलर पावर्स, दो द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज फार मोर सैक्रोसेंक्ट ऑफिस एज वॉज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द कांग्रेस पार्टी विच हैड granted no sacrosanctity to any office, be it the Prime Minister's office, CAG's office or any other office, because these offices had no power, and now the Honorable Vice President has exercised his powers because he has to exercise his powers judiciously and cannot indulge in any abuse of power. So he's gone over the evidence, he's gone over the material supplied, and he's undertaken a very, very deep exercise. I just want to label certain words which have been used. And the words which have been used in the petition are something like prima facie. In the very first para, they are using the word prima facie evidence. Then the other one, likely to fall within. Then, which amounts to serious acts, and then which was found to be this thing, and he again got a, so throughout they have used such words, prima facie, likely to, appears to be, and which goes to show that repeated use of these words that they are unsure of their own allegations. जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है इनके द्वारा उसी से स्थापित होता है कि ये केस अपने पांव पर खड़े होने लायक नहीं है, बल्कि इन्होंने लगातार एक धमकी भरी धमकी का प्रयोग किया है इस पूरे किस्से के अंदर, जहां पे ये इनको ये मालूम है कि अब ये इनके पास ताकत नहीं है, लोगों का वोट इनके पास नहीं है, लोगों का समर्थन इनके पास नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर से जो है अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, और ये उस गलियारे से सोचते हैं कि लोगों को, ये सिर्फ लोगों को नहीं धमकाएंगे बल्कि न्यायाधीश को भी धमकाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी धमकाएंगे, क्योंकि इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग किया है पहले, और जब वो केस लगातार गिरते चले जा रहे हैं और उनके पास कोई तथ्य नहीं है, तो ये इस तरीके का धमकी का प्रयोग कर रहे हैं उन इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के लिए केवल और केवल अपने राजनीतिक लाभ से, और ये अपने केस के बारे में ही अनश्योर है, क्योंकि जो
कानून है उस कानून के मुताबिक दो मुख्य बिंदु है, एक तो है प्रूवन मिसकॉन्डक्ट, प्रूवन मिसकॉन्डक्ट एंड ऑल्सो द अदर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. सो द वर्ड इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. तो जहां पर ग्रेविटी खुद जो है वो कोजेंट तरीके से सामने नहीं आ रही, रेलेवेंट मटेरियल को देखा गया तो उसमें कुछ पाया नहीं गया, और जो इनका रोस्टर वाला है उसके ऊपर तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, दो दो जजमेंट्स हैं, एक पुराना पांच जजेस का जजमेंट है, उसके बाद एक और जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर इज द चीफ जस्टिस. अब वो आप चीफ जस्टिस से ये भी तय करवाएंगे कि कौन सा केस इंपॉर्टेंट है, कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, और उसको बाकी लोग तय करेंगे कि ये केस मेरे आगे लगना चाहिए. ऐसा हो सकता है क्या? एक मर्यादा होती है किसी भी संस्थान को चलाने के लिए, एक मर्यादा होती है, लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं. सो अंडर ऑल दोज पैरामीटर्स व्हेन यू लुक एट द एंटायर थिंग यू फाइंड दैट दिस केस डज नॉट स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ लॉ, दिस केस डज नॉट स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड गुड कॉन्डक्ट एंड गुड बिहेवियर. The worst thing is that there is an attempt by the Congress party, by causing this assault, it is actually harming the democracy, which during their tenure as the people in power, they have constantly denigrated democracy, they have constantly attacked those institutions, and when out of power, they continue with the same process and they are still trying to do the same thing, and no case is made good by assumptions and presumptions. Cases are made good on the basis of evidence and solid evidence. Hindi mein kaha jaye to ye keval abhiyog nahi hai, ye mahaabhiyog ki aap baat kar rahe hain. Aur mahaabhiyog ka matlab hai ki jo normal allegation hai usse adhik iske bare mein vishay ke upar aapke paas tathya hone chahiye. To jahan tathya nahi hai, jahan kagzat nahi hai, aur keval ek niyat se, aur wo niyat hai kahin na kahin सरकार को और सरकार के माध्यम से जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बनाने की, और आप जुडिशरी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ताकि आपके चुनिंदा नुमाइंदों के आगे केसेस लगे. बल्कि अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट किसी केस में दिखाया जाता है तो खास तौर पर वैसे केसेस उन लोगों के आगे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वो न्याय प्रक्रिया पर सबसे बड़ा आघात होगा. न्यायालय की जो इंडिपेंडेंस है, जो आजादी है, उसको बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि यही संविधान की मांग है. आज अंबेडकर जी की बात करते हैं तो अंबेडकर जी ने तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर एक बिल्कुल उसको पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस से उसको सील किया है कि वो इंटरफेरेंस नहीं हो सकती. दे आर ट्राइंग टू डू एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ दैट एंड दे आर ट्राइंग टू इंटरवीन एंड इंटरफेयर in the process of judicial dispensation, in the dispensation of justice, and trying to create an atmosphere in the country where people lose faith in judicial system, people lose faith in judiciary, and create a kind of anarchy in this country that people lose respect for judiciary. Judiciary is one institution which is respected by all, and their independence has to be maintained. And non-interference has to be the rule. But the unfortunate part is that Congress has repeatedly shown that they are the institutional disruptors. And they can go to any extent to play their dirty politics. And in the recent cases, it has been found that they used every other institution while in power to cause fabrication, to engage in all kind of wrongdoing. And when those cases are falling, they've started building pressure on judiciary by disrespecting them. And this impeachment motion was one such attempt where this act of blasphemy towards the Constitution has been acted upon. Nobody can compromise the independence of judiciary. There are safeguards within the system, checks and balances, and it is to keep those checks and balances in order, no external pressure can be exerted on the judiciary. तो जो एक system संविधान का बना हुआ है जिसके अंदर checks and balances हैं, बहुत सारे लोगों की screening हो जाती है पहले ही.
अगर किसी को कोई भी अपॉइंटमेंट मिलता है तो वो अपॉइंटमेंट की स्क्रीनिंग तो पहले हो चुकी है और उसके बाद आपको अपॉइंट किया जाता है। और इस प्रकार से जो लगातार ये आघात करने की कोशिश है और सब तरीके के कानून और जो ऑर्डर पास किया है, मैं आज माननीय उपराष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने ऑफिस का दुरुपयोग नहीं होने दिया, क्योंकि जिस तरीके के बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं लगातार, और उन्होंने ये कहा है कि उनको केवल देखना था और आगे भेजना था, पिटीशन को केवल देखना था, नंबर ऑफ एमपीज को काउंट करना था और आगे भेजना था। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो भी इस, और मैं समझती हूँ कि वो शायद कानून के जानकार हैं, मुझे अभी थोड़ा शक हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि वो कुछ कानून के जानकार हैं। तो कानून के मुताबिक जो ऑफिस होता है, द पर्सन होल्डिंग द ऑफिस हैज टू अप्लाई हिज माइंड जुडिशियसली ऑन द मटीरियल बिफोर द पर्सन, सो कैन कंसल्ट पीपल एंड देर इज अ सेटल लॉ ऑन दिस दैट ही हैज टू कंसल्ट पीपल, he has to go over the material, he has to go over the evidence, he has to be in link with whoever and make a judicious decision on this particular thing. It cannot be overnight that you look at something and like a post office you forward it. It is not one such issue where the vice president's office has applied, vice president has applied his mind and has actually taken care with due application of mind, caution, circumspection, responsibility and larger public interest. So on all these points, this order stands the scrutiny, and this was a judgment of Krishna Swami versus Union of India 1993. So I think it's a very nicely written order where Honorable Vice President has again shown that the office of Vice President is not a post office, it's not a franking machine where you insert some petition and automatically the franking will be done, it will be stamped, but application of mind is the necessity of the day, and that is exactly what has been done. And a kind of impression is sought to be created in the world that India is a banana republic, which they had almost converted India to in their own time by disrupting institutions, and they continue to do that. But Republic of India is far, far, far superior for your own liking, and these institutions are far, far, far deeper and have the reverence of the people of this country. Our institutions are very strong, and they will bear the assault and show their independence repeatedly. Any questions? See, they are free to move. I am no one to advise whether they should or they should not. But within their own party, there is a split on this particular decision. And I think there are other lawyers also who should be consulted on such a important matter within their own party. Sanjay ji, Sanjay Sharma. Ek minute, Sanjay Sharma. Abhi, देखिए मैं कपिल सिब्बल जी को एडवाइस देने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता चला है कि उनकी अपनी पार्टी में और भी बड़े वकील हैं जो उनसे ज्यादा अच्छा कानून जानते हैं, और उनके मुताबिक ये बहुत ही बड़ा आघात होगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही। वो करना चाहते हैं, मैं तो स्वागत ही करती हूँ। संजय जी, पहले भी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के तीन जज बाहर आ रहे हैं, कई बार इस तरह की बातें करते हैं, सवाल खड़े करते हैं चीफ जस्टिस के बारे में, और आप 70 से ज्यादा इनतीस तरीके का महाभियोग प्रस्ताव लेकर के आते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं न्याय बड़ा सवाल खड़ा हो गया? तो उनकी कोशिश ही ये है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इंटिमिडेटरी टैक्टिक है ये, धमकाने की कोशिश है, ताकि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो इनके धमकाने में आए। आपको सबसे पहला विचार तो ये करना है कि वोट इनके पास है नहीं, संस्थाओं में इनका, लोगों के बीच इनकी कोई पकड़ नहीं है, और बावजूद उसके इन्होंने ये एक निर्णय ले लिया है कि अब
अब मतलब खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो अभी 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 इनका ये है कि हम तो अब रहे नहीं पावर में, सारे इंस्टीट्यूशन को तबाह करेंगे, भारत के लोकतंत्र को तबाह करेंगे और तुम सबको साथ लेके डूबेंगे। शैलन जी, जल्दबाजी में लिया गया, आपको गलत सलाह दी गई है, दूसरी ओर कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान चला रही है, तो क्या आप इस पूरे महाभियोग प्रस्ताव को एक राजनीतिक तौर पर कदम के तौर पर देखते हैं कांग्रेस के, या फिर क्या कहना है? देखिए, संविधान की बात कर रहे हैं, सब न्यायपालिका के राजनीतिकरण की बात, न्यायपालिका के राजनीतिकरण किया किसने, आप इसके इतिहास में जाइए, न्यायपालिका से लेके सब देश के संवैधानिक संस्थानों का अगर किसी ने दुरुपयोग किया और उनके ऊपर उनकी जो स्वतंत्रता थी उसको समाप्त करने की कोशिश की, तो उसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेवार है। और उसमें आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, 70 का दशक और 60 का दशक, तो उन्होंने पहले जुडिशरी के ऊपर दबाव बनाए, उसके बाद मतलब सप्रेशन 73-75 में ट्रांसफर्स किए गए, और उसके बाद में जो है जो पॉलिटिसाइजेशन शुरू हुआ कि कौन कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा, 80 के दशक में वो किया, और उसी के कारण जो है कोलिजियम सिस्टम इस देश में आया। कोलिजियम सिस्टम इस देश का संवैधानिक सिस्टम नहीं है, लेकिन इनकी हरकतों के करके कोलिजियम सिस्टम लाया गया। तो जिन्होंने आज तक आघात पहुंचाया है भारत के लोकतंत्र पर, वो लोकतंत्र बचाओ की राजनीति करने सड़कों पर निकले हैं, अपने परिवार का इतिहास उठा के ढंग से पढ़ लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। इनके परिवार का इतिहास है जी। आप